सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए। पहले वाला फ़ोटो देख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रहा है। एंड मेरे भाई, वही आफ्टर वाला फ़ोटो देखिए, कितने भौकाल तरीके से दिख रहा है। तो मेरे भाई, आप भी कुछ इस तरीके से स्टेप बाई स्टेप अपने फ़ोटो को बना सकते हैं मेरे भाई। बस आपको क्या करना होगा ना, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा और मेरे भाई जो भी बताया हूँ सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ, ठीक है ना? तो प्लीज़ यार, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, आपको इस वाले फ़ोटो को ले लेना है। एंड इस वाले फ़ोटो को लेने के बाद मेरे भाई, इसको डायरेक्ट आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो चलिए मेरे भाई, फटाफट से हम क्या करते हैं ना, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं जो बता रहा हूँ ना मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक रिटचिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई, आपको रिटचिंग के ऊपर क्लिक करना है। एंड मेरे भाई, रिटचिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए ऑटो का ऑप्शन होगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले क्या करना है ना, इसको ऑटो कर देना है। तो ऑटोमेटिक कुछ देर लोडिंग लेगा मेरे भाई, उसके बाद में आपका फ़ोटो में थोड़ा बहुत ना अपने से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन मेरे भाई, ये काम कर लीजिएगा क्योंकि आगे चल के ना फ़ोटो में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ये। तो ये काम 110% गारंटी के साथ मेरे भाई आप लोग करिएगा, तब आप अपने फ़ोटो का ना रिजल्ट देखिएगा, कुछ अलग ही दिखेगा। तो चलिए मेरे भाई, क्या करते हैं ना, फटाफट से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे भाई नेट का प्रॉब्लम है, इसके कारण थोड़ा सा ये यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा फेस को, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी टाइम लगा देता है मेरे भाई और कभी कभी बहुत ही जल्द हो जाता है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई क्या कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप वैसे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर स्किप कर लेते हैं। तो मेरे भाई देख लीजिए, फाइनली हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिए। थोड़ा बहुत मेरे भाई यहाँ पर आपको फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, ओके? तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई फिर से क्या करना है ना, आपको रिटचिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड रिटचिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ पर अब आपको आ जाएगा आई कलर का ऑप्शन। ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको एक आई कलर का ऑप्शन आएगा। इससे क्या होता है ना, आप अपने किसी भी आई को ना बहुत ही अच्छे, मतलब कलर ग्रेडिंग में पोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सबसे लास्ट वाले आई कलर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे लास्ट वाले आई कलर को सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई, ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको एक इरेज का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मेरे भाई, इरेज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को ना अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से डन करना और यहाँ से भी डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके जाना है, स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ ड्रा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ड्रा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, अब आपको यहाँ पर देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा। तो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई और यहाँ पर सेव इमेज का ऑप्शन आएगा। तो मेरे भाई, फाइनली आपको सेव इमेज कर लेना है। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से कट करना है। उसके बाद क्या करना है, गैलरी को ओपन करना है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं ना, गैलरी को ओपन कर लेते हैं। गैलरी को ओपन करने के बाद मेरे भाई, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जिस फोटो को थोड़ा बहुत हम रिटचिंग किए थे उसी फोटो को आपको ले लेना है। एंड उसी फोटो को लेने के बाद मेरे भाई, इसको क्या करना है, फिर से स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो यहाँ पर मेरे भाई देख लीजिए, हमारा फोटो आ चुका है स्नैपशीट एप्लीकेशन में। उसके बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिखेगा। तो मैं दिखा देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर आपको ना, यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप सबको ध्यान से, ठीक है ना? तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आएगा ब्लैक एंड वाइट,
इसको ऊपर क्लिक करना है और ऑटोमेटिक ब्लैक एंड कर देगा पूरा। तो अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर डार्क देखना है, ठीक है ना। तो डार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से इसको डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको यहाँ शेयर के बगल में व्यू एडिट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई व्यू एडिट्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई फिर से यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपका एक ब्रश का आइकन दिखेगा, तो मेरे भाई फाइनली क्या करना है ना, इस ब्रश को ऊपर क्लिक कर लेना है। इस ब्रश के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे भाई, ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से हमारा फोटो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, फाइनली अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ना 100% रहना चाहिए। मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ मेरे भाई एक बार, यहाँ पर मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ 100% रहना चाहिए। 100% रहेगा तभी एक वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से क्या करना है ना, ओनली बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करना है। तो जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, सेम टू सेम आप लोग भी एकदम बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करने के बाद मेरे भाई क्या काम करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आप 110% गारंटी के साथ फ़ोटो एडिट करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मेरे भाई एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और इधर आपका थोड़ा बहुत चल जा रहा है, तो इधर आप मतलब साइज कम करके और इसको हटा सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन करना है, और उसके बाद बैक आना है। उसके बाद मेरे भाई टूल्स को ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ देखिए टून इमेज, टून इमेज को ऊपर क्लिक करना है और ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, और उसके बाद इसका एम्बेनियस को बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है, कहाँ पे, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं ना, लाइटरूम एप्लीकेशन में ना इस फोटो को हम शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमारा फोटो फाइनली लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है मेरे भाई, ऊपर के साइड में देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करना होगा, एंड ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस वाले फ़ोटो को ले लेना है। और इस वाले फ़ोटो को लेने के बाद मेरे भाई यहाँ लाइट के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। सबसे पहले लाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका एक्सपोजर को बढ़ाना है, एंड हाईलाइट को कम करना है, एंड शेडोज को आपको बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ वाइट को कम करना है, एंड ब्लैक्स को कम कर देना है। उसके बाद मेरे भाई कलर्स के ऊपर, यहाँ पर देखिए कलर्स के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ मिक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ग्रीन कलर और येलो कलर को सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन एंड ह्यू दोनों डाउन कर देना है, यानी घटा देना है। देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर हम डाउन कर दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए सेकेंड वाले कलर को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर मेरे भाई सेकेंड वाले कलर को जब भी सिलेक्ट कीजिएगा ना, तो अपने फेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आपका अपना फेस कितना वाइट रखना है। तो यहाँ पर इसको सेचुरेशन को हम इतना डाउन करते हैं, और यहाँ इसका लूमिनस को बढ़ाते हैं हम, क्योंकि हमको इतना पे फेस चाहिए। उसके बाद यहाँ से डन कर देते हैं। उसके बाद मेरे भाई यहाँ इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, एंड टेक्सचर को बढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ डिटेल के ऊपर क्लिक करके शार्पनेस को बढ़ा देंगे, और कलर नाइडियक्शन को बढ़ा देंगे। उसके बाद मेरे भाई बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, अपने फोटो को शेयर कर देना है यहाँ से डायरेक्ट, कहाँ पे, तो ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ ऊपर के साइड में देख लीजिए लाइब्रेरी को में आ जाना है मेरे भाई। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है, और यहाँ इसका सेटिंग देख लेना है। फॉलो को मेरे भाई 4 रखेगा, और स्टेंज को 29% रखिएगा। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ स्मूथ रहना चाहिए, तभी आपका ब्रश काम करेगा, वरना नहीं करेगा। उसके बाद मेरे भाई कट करना है, और अपने फेस को जूम करना है, और जूम करने के बाद मेरे भाई अपने फेस के ऊपर ना अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए हम अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए मेरे भाई, हमारा फेस कितना भौकाल तरीके से स्मूथ होना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे भाई आप भी अपने फेस को ना ऐसे ही स्मूथ कर लीजिएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।